क्या किसी स्त्री के अंदर भी जोश आता है? और आता है तो कब आता है? ऑफ कोर्स एक स्त्री के अंदर भी जोश आता है और वो अपने जोश के चलते अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को भी छू सकती है, देश को एक नई दिशा दे सकती है और घर परिवार संभले, ये तो उसके बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती, संभव ही नहीं है। लेकिन आप लोग इस वाले जोश के बारे में मुझसे बात नहीं कर रहे ना, आपको वो दूसरे वाले जोश के बारे में सुनना है। यह समझ गई मैं, सेक्सुअल जोश, वो जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो सबसे ज़्यादा किसी फीमेल के अंदर कब तीव्र होती है और ये कैसे पता लगेगा। तो चलिए आ रही हूँ आपके इसी टॉपिक के ऊपर आ रही हूँ। सेक्सुअल जो जोश होता है, जो डिज़ायर होती है, ये फीमेल टू फीमेल वैरी करती है, ये अलग अलग हो सकती है। जैसे किसी फीमेल के अंदर किसी विशेष परिस्थितियों में कोई अवसर है, उसके पास मौका है, तो सेक्सुअल डिज़ायर पैदा हो सकती है कि वो अपने किसी मनपसंद बंदे के साथ है टाइम स्पेंड कर रही है और माहौल उसके हिसाब से सुरक्षित है, तो उसके अंदर वो चाहत पैदा हो जाएगी। किसी विशेष ओकेज़न पर, किसी अवसर पर वो खुद में बहुत ज़्यादा रोमांटिक महसूस कर सकती है, तब उसके अंदर ये सेक्सुअल डिज़ायर पैदा हो सकती है कि हाँ मुझे सेक्स करना है। तो ये फीमेल टू फीमेल वैरी करता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि एक वुमेन बॉडी जो है वो हॉर्मोन्स का पुतला है और उसकी हॉर्मोन्स में आने वाले ये चेंजेस उसकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़, उसकी सेक्सुअल इच्छाओं को भी प्रभावित करते हैं। इनफैक्ट उसकी बॉडी में आने वाले हर छोटे मोटे चेंजेस के पीछे ये हॉर्मोन्स ही जिम्मेवार होते हैं। हर महीने एक वुमेन के अंदर एक ऐसा टाइम आता है जब उसे सबसे ज़्यादा सेक्स करने की चाहत होती है, उसके अंदर ये जो अराउजल होता है बहुत ज़्यादा वो महसूस करती है, जोश से भर जाती है। और वो जो टाइम होता है उसका, वो होता है ओवुलेशन का टाइम। ओवुलेशन का टाइम जी वही जब ओवेरी में से उसके अंडा रिलीज होता है, उस वक्त उसके शरीर का तापमान भी बढ़ सकता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और अराउजल फील करती है। उस वक्त अगर उसका मेल पार्टनर उसके साथ सेक्स करता है तो वो बहुत जल्दी सेक्स के लिए राज़ी भी हो जाती है, एंजॉय भी करती है, अपना सहयोग भी भरपूर देती है और उसे ऑर्गेज़म भी जल्दी मिलता है। और ये जो टाइम होता है सबसे बेस्ट पीरियड होता है किसी मेल और फीमेल के बीच सेक्स का, संभोग करने का, क्योंकि ना तो किसी आदमी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसे राज़ी करने के लिए, उसका मूड बनाने के लिए, और जो फीमेल पार्टनर होती है वो भी उत्साहित होती है सेक्स करने के लिए, अपना पूरा सहयोग देती है। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि ये जो पीरियड होता है ये ओवुलेशन का पीरियड होता है, एग जो है वो ओवेरी में से रिलीज़ होता है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। तो विदाउट प्रोटेक्शन सेक्स करने का सोचे भी मत, वरना अनवांटेड प्रेगनेंसी की शिकार हो सकती है आपकी पार्टनर। दूसरी जो स्थिति होती है किसी फीमेल की, जो उसका सबसे ज़्यादा मन करता है सेक्स करने का पूरे महीने में, वो एक होता है पीरियड का दौर, जब वो महावारी से गुजर रही होती है। पीरियड होने के 2-3 दिन पहले और पीरियड होने के 4 दिन तक, मतलब जब वो पीरियड ख़त्म हो जाती है उसके भी 2-4 दिन तक उसको सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। और ये होता इसलिए है क्योंकि उस दौरान वजाइनल एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो वो सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है। वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ता है तो वहाँ का जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, जो उसको एक्साइटमेंट पैदा करता है, उसके अंदर अराउजल बढ़ाता है। लेकिन ये जो पीरियड का दौर होता है, साथ साथ उसके लिए क्रैम्प्स, एब्डोमेन में पेन, ये सारी चीज़ें भी लेकर आता है, जिसके वजह से उसके मूड स्विंग रहते हैं। इसलिए वो अपने अंदर की जो इच्छाएं होती है कई बार समझ नहीं पाती कि उसका मन कर रहा है सेक्स करने का, उसे बस यही रहता है यार इससे निपटो, इससे ख़त्म करूँ, इसे बस ये टाइम निकले मेरा। मैंने खुद भी इस चीज़ को कभी ना कभी ज़रूर महसूस किया होगा कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो पीरियड होने के बाद जल्दी तैयार हो जाती है सेक्स करने के लिए, ज़्यादा चिकचिकबाजी नहीं करती, क्योंकि उस दौरान जो ब्लड का फ्लो है ना वो बना रहता है उसकी वजाइनल एरिया में, भले ही पीरियड वो ख़त्म हो चुकी है लेकिन फ्लो बना रहता है 2-4 दिन तक, तो वो उसे एक्साइट करता रहता है कि यार चल कर लेते हैं। तो ये तो वो 2 चरण होते हैं, वो स्थिति होती है जिससे हर महिला को हर महीने गुजरना पड़ता है। ओवुलेशन का दौर उसका शुरू होता है और पीरियड का टाइम जिस वक्त उसे सबसे ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर महसूस होती है, वो सबसे ज़्यादा जोश में होती है सेक्स करने के लिए, उत्साहित होती है। और ये हर महीने होता है और तब तक होता है जब तक उसका मेनोपॉज़ का टाइम शुरू नहीं होता या वो मेनोपॉज़ होके ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है आपके लिए उसके साथ इंटीमेट होने का, सेक्स करने का, क्योंकि वो जोश में होती है। अब उसकी लाइफ में एक टाइम और ऐसा आता है जो उसके हॉर्मोन्स जो होते हैं बॉडी में उनमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जिसके वजह से उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर बिल्कुल उसकी सेक्स के प्रति इच्छा ख़त्म हो जाती है। और वो जो टाइम होता है उसका, वो होता है प्रेगनेंसी का, जब वो प्रेग्नेंट होती है ये। लेकिन ये जो भी चेंजेस आते हैं ये टेम्परेरी होते हैं, जैसे उसका प्रेगनेंसी का दौर ख़त्म होता है वो एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर देती है, उसके बाद वो धीरे 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 नॉर्मल होना शुरू हो जाती है।
अब आप भी सोच रहे होंगे कि यार कि हम क्या उसके महीने में हर वक्त जोश में आने का इंतज़ार करते रहेंगे, बस ऐसा देखते रहेंगे कब आएगी मेरी जो वाइफ है वो जोश में कब आएगी और मैं उसके साथ कुछ करूँगा। तो नहीं जी, किसने बोला, अगर आप आर्टिस्टिक हैं, आप वो कलाकार इंसान हैं, तो 2 सेकंड के अंदर उसका मूड बना सकते हैं, उसको समझ के, उसको उत्तेजित करके। अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट पता है, आपको पता है कि उसकी सेंसिटिव अंग कौन से हैं, किनको छूने से उसे सबसे ज़्यादा अराउजल महसूस होता है, उसे क्या अच्छा लगता है, उसे अपनी तारीफ़ें सुननी अच्छी लगती है, उसे कानों में कुछ उसके फुसफुसा के बोलो आप, उससे कुछ डर्टी टॉक करो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, आखिर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जिसे सुन के, जिसे देख के, जिसे महसूस करके वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती है, अराउजल होती है। अगर आप में वो दम है, आप आर्टिस्टिक है, आप उसके शरीर की भूख जानते हैं, तो फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किचन में आटा गूंध रही है या झाड़ू लगा रही है, बस आपने उसे छुआ, वो जो चाहती है उसकी जो बॉडी को अराउजल महसूस होता है वो काम किया, हो गई तैयार, झाड़ू वाड़ू अपना फेंक के चलो जी पहले वही कर लेते हैं। या तो आप अपनी मादा, क्या किसी भी मादा को संभोग के लिए तैयार कर सकते हो किसी भी वक्त, या आपकी कलाकारी होनी चाहिए, आप आर्टिस्टिक होने चाहिए। कोई ना वेट करता यार, जब वो जोश में आएगी तभी कुछ करेंगे, जोश में लाना आपके हाथ में है। अब इस वीडियो को लास्ट में ख़त्म करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को देना चाहती हूँ कि माना कि आपको ये जो इसके जोश में आने के तरीके पता हैं और वो टाइम आपको पता है, ओवुलेशन का टाइम है, पीरियड का टाइम है, भाई इस दौरान तो वो सेक्सुअल डिज़ायर उसके अंदर होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके पीछे पड़ जाओ, सब चीज़ें करो कि हाँ आज तो ये करेगी करेगी, ये टाइम चल रहा है इस वक्त तो इसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर होगी। अगर आप भरसक प्रयास कर रहे हैं, उसको उत्तेजित कर रहे हैं, उसके सेंसिटिव अंगों के साथ खेल रहे हैं, उसको मतलब कि कुछ ना कुछ कर रहे हो उसके साथ उसका मूड बनाने के लिए, और उसके बावजूद भी अगर वो आपको राइट रिस्पॉन्स नहीं देती है जो आपको चाहिए, इनफैक्ट फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है आपकी इन हरकतों से, तो उसी वक्त डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, उसके नो का सम्मान कीजिए। जानते हो क्यों? क्योंकि हो सकता है वो फिज़िकली तैयार हो लेकिन मेंटली यहाँ से तैयार ना हो, वो मेंटल लेवल पर कुछ डिस्टर्ब हो उसके साथ, कुछ दिमाग में चल रहा हो कुछ ऐसा जो उसका मूड ना बनने दे रहा हो और आप उसको फ्रस्ट्रेट किए जा रहे हो, उस वक्त अगर आप उसे नहीं समझोगे, उसे वो स्पेस नहीं दोगे, तो आपके बीच में झगड़ा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है उसे समझना, वो वजह तलाशना, पर वजह पता लग जाए उसको सॉर्ट आउट कर लो, हो जाएगी कम्फर्टेबल वो आपके साथ। मेंटली और फिज़िकल कनेक्शन बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है बेहतर संभोग के लिए। कई बार हमारी बॉडी तैयार होती है लेकिन हम दिमाग से तैयार नहीं होते, फिर वो पूरी तरह से वो संभोग उस लेवल पे हो नहीं पाता, तो ऐसे भी संभोग का कोई फ़ायदा नहीं ना, फिर भले उसका ओवुलेशन का पीरियड हो या उसके अंदर जोश हो, उसकी बॉडी अराउज हो, कोई फ़ायदा नहीं अगर वो मेंटली कनेक्शन महसूस नहीं कर रही है, सब अधूरा होगा। तो कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेशन कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।